हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग योर पॉलिटिकल लेसन फर्स्ट एंड येस्टरडे टिल येस्टरडे वी हैव लर्न दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ डोमिनेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइव्स. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. सो टिल नाउ वी हैव रीड अबाउट वॉट कॉन्स्टिट्यूशन डज फॉर अस. नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वे इन विच द अबव पॉइंट्स get translated into certain ideals and rules by studying some key features of the Indian Constitution. Now we will read some key features of Indian Constitution. The Indian Constitution key features. By the beginning of the 20th century, 20th शताब्दी के शुरुआत में, the Indian National Movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. 20th सेंचुरी के शुरुआत में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो एक्टिव हो चुका था भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, स्वाधीनता दिलाने के लिए ब्रिटिश रूल से सेवरल पिछले कई शताब्दियों से, दशकों से. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक. तो जब ये लड़ाइयाँ हो रही थी फ्रीडम के लिए, तो जो हमारे राष्ट्रवादी नेता वगैरह थे उन्होंने बहुत सारा टाइम अपना लगा दिया, समय व्यतीत किया ये सोचने के बारे में, प्लान बनाने के बारे में कि स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए. अंडर द ब्रिटिश के अधीन दे हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग. अब उनके ब्रिटिश रूल के अंडर तो बेचारे उनको जोर दिया जाता था, दबाव बनाया जाता था वो रूल्स ओबे करने के लिए, जिनमें उनका बहुत छोटा सा रोल होता है कुछ भी बनाने के लिए. द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियाज दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट. अब जो अथॉरिटेरियन मतलब एक अकेले मोनार्की टाइप में ब्रिटिश रूल के अंडर एक लंबा एक्सपीरियंस होने के बाद अथॉरिटी रूल कलोनियल स्टेट ने ये कन्विंस किया कि जो भारत वाले हैं वो फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी, फ्री इंडिया में स्वतंत्र भारत में डेमोक्रेसी बनानी पड़ेगी ताकि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए और उनको गवर्नमेंट बनाने में उनका भी सहयोग लिया जाए. व्हाट रिमेन टू बी डन देन वॉज टू वर्क आउट द वेज इन विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इन इंडिया एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग. अब जो बच गया था वो क्या था, ऐसे तरीकों पे काम करना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भारत में स्थापित करे, और ऐसे रूल्स बताना जो उसके कार्यों को बताए, ऐसे रूल्स बनाना जो उसके कार्यों को बताए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के. दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल हु बिकेम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. संविधान सभा के, ये संविधान के बारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना और उसके फिर रूल्स बनाना उसके कार्य बताने के लिए, ये अकेले आदमी का काम नहीं था, इसका ग्रुप था 300 आदमियों का. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और इन 1946 एंड हु मेट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स टू राइट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन. 1946 में ग्रुप ऑफ मेंबर्स बनाया गया जो हर 3 साल बाद मिले और उन्होंने वो 3 साल तक मिले और उन्होंने क्या लिखा, भारतीय संविधान. दी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम. अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो आदमी हैं इनके पास बहुत बड़े बड़े काम थे करने के लिए. द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़ हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस. जो भारत देश है वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग उसमें रहते हैं और रहने वालों की अलग अलग लैंग्वेज है जो अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं एंड हैड डिफरेंट डिस्टिंक्ट कल्चर्स और उनके अलग अलग कल्चर्स हैं. ऑल्सो वेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बींग रिटन इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल. जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो भारत जो है बेचारा बहुत ही टर्मोइल, उनके साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा था. द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज एमिनेंट. भारत का पार्टीशन हो गया था, है द पार्टीशन ऑफ कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. देश का बंटवारा हो गया था भारत और पाकिस्तान में. सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेंड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर्ड
डेसिमल। अब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो गया तो लोग भी बट गए, और प्रिंसली कुछ जो अमीर स्टेट्स थे वो अनडिसाइड हो गए कि भाई इनका फ्यूचर क्या होगा, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, इतने सारे लोग रहते हैं इनमें। दे ऑल ऑफ दीज इशूज़ प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सारी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के जो लोग थे, उनके दिमाग में ये चीज़ें थी कि भाई इतने सारे लोग हैं, अलग हो गए हैं, तो अब इनका क्या करना है। ऑल दीज थिंग इशूज़ प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेम्बर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उन सबके दिमाग में था कि भाई ये इनके साथ क्या करना है। दे रोज टू द ओकेशन ऑफ एंड गेव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स अ रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। अब इन्होंने ऐसी चीज़ें दिमाग में रखते हुए ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें सभी के लिए रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो, सम्मान हो, और वो डाइवर्सिटी को, ये विभिन्नता को बनाए रखे, लेकिन अपनी यूनिटी जो है, राष्ट्रीय एकता है, उसको प्रिजर्व करे। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न फॉर इराडिकेटिंग पॉवर्टी। फाइनल डॉक्यूमेंट था वो, उसमें ये भी था कि मतलब गरीबी को कैसे हटाया जाए थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज वेल एज एम्फेसाइजिंग द क्रूशियल रोल द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और सोशियो इकोनॉमिक तरीके से उनको पीपल, जो लोग थे, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव ऐसे चुनते थे जो उनकी गरीबी को दूर करे और उनके सामाजिक और आर्थिक तरीकों को सुधार सके। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नीचे जो दिए गए हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स हैं। वाइल रीडिंग दीज कीप इन माइंड द अबाव मेंशन कंसर्न ऑफ डाइवर्सिटी यूनिटी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विद। ग्रैपलिंग मीन्स दे आर फाइटिंग विद, दे हैव टू मेक डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन विच इन विच दे हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द डाइवर्सिटी, अबाउट द यूनिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दीज कंसर्न्स विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इंटू स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए या देश बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही बैलेंस तरीके से सारे कंसर्न्स को ध्यान में रख के एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने की कोशिश की। फर्स्ट वन इज़ फेडरलिज्म मीन्स संघवाद। दिस रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। फेडरलिज्म मीन्स, इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक ही प्रकार के सरकार के अलावा, एक ही प्रकार की सरकार ना हो, हर लेवल पे अलग अलग सरकार हो। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर, केंद्र में और स्टेट लेवल पे हमारे पास गवर्नमेंट से सरकारें हैं। पंचायती राज इज़ द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड यू हैव रेड अबाउट दिस इन योर क्लास 6th बुक। पंचायती राज तीसरी सरकार की एक प्रकार है जिसको आपने 6th क्लास में पढ़ा था। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन आर क्लास 7th बुक, और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट का जो काम है उसका क्या तरीके हैं, फंक्शनिंग क्या है, वो हमने 7th क्लास में पढ़ा। एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस साल हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मेंट दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइस दैट विल नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली मेकिंग डिसीजंस फॉर एवरीवन। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो वास्ट नंबर ऑफ, इतनी सारी जो सोसाइटीज़ हैं इंडिया में, कमिटीज़ हैं, वो इसलिए नहीं है कि ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जिसको दैट डिड नॉट इन्वॉल्व पर्सन, वो ऐसी गवर्नमेंट नहीं बनाएगा जो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वहाँ बैठे हैं उनको ही ले, नहीं, वो दूसरे लोगों के लिए डिसीजन नहीं लेंगे, हर आदमी के लिए अलग अलग, उसमें अलग अलग सरकार बनेंगे अलग अलग प्लेस पे। इंस्टेड इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स ऑफ स्टेट सो दैट डिसीजन्स कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। इट वॉज इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है कि अनदर लेवल की गवर्नमेंट हो स्टेट्स में सो दैट डिसीजन्स कुड बी मेड, ताकि डिसीजन्स लिए जा सकें, डिसीजन्स लिए जा सके कि भाई उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी गवर्नमेंट होगी और क्या करना है।
वाइल ईच स्टेट इन इंडिया इंजॉयज ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑन सर्टेन इशूज सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट्स फॉलो द लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अब हर स्टेट में सब इंजॉय करते हैं ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑन सर्टेन इशू. ऑटोनॉमी है सर्टेन इशूज़ पे अपने उनके खुद के पावर्स हैं. सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर दैट नेशनल, लेकिन जो राष्ट्रीय कंसर्न के जो सब्जेक्ट हैं विषय हैं वो ये उनकी ये ज़रूरत है कि ऑल दी स्टेट्स फॉलो द लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ये जो सारे स्टेट्स हैं हर स्टेट में ऑटोनॉमी है, एक नेता है वहाँ का, एक मुख्यमंत्री है, वो उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, लेकिन जो नेशनल कंसर्न के राष्ट्र कंसर्न के जो इश्यूज हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ही उस पर कानून बनाएगी. द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इश्यूज दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज. अब संविधान में ये लिस्ट है, डिटेल्स हैं, इश्यूज हैं कि भाई हर टायर पे हर लेवल पे सरकार अपने नियम खुद बनाएगी. इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज. और संविधान में ये भी दिया गया है कि ये जो तीन तरह के सरकारें हैं ये पैसे कहाँ से लेंगी, काम करने के लिए पैसे कहाँ से लेंगी. अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट्स फॉर द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. जो फेडरलिज्म के अंडर स्टेट्स आ रहे हैं, फेडरलिज्म के स्टेट्स आ रहे हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के एजेंट नहीं है. दे कैन ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. वो अपनी सत्ता ले सकते हैं, पावर ले सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से. ऑल पर्सनस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय लॉज. भारत के सभी लोग नियम से बंधे हुए हैं. एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. और नीतियाँ बनाई गई हैं हर लेवल पे, नीतियाँ बनाई गई हैं हर लेवल पे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर दिस क्लास. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाटएवर वी हैव रेड टुडे. स्टे सेफ एट होम, बी ब्लेस्ड, गुड लक.